हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के जो फिजिक्स का चैप्टर 11 है वर्क एनर्जी, उसका कुछ एसेशन और रीजन का क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एसेशन कह रहा है कि ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, और आगे बोला जा रहा है कि देन दे ऑल्सो हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक स्टडी करते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, ये लाइट ऑब्जेक्ट है यानी कि छोटा ऑब्जेक्ट है, और ये हैवी ऑब्जेक्ट है यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको हम मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो 2m है, और इस वाले का मास जो हम मान लेते हैं वो 5m है। ठीक है, बट इसका जो अगर हम वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी हम नॉर्मली मान लेते हैं कि वो 5 है। ठीक है, इसका वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम क्या निकलेगा, पी इक्वल टू नॉर्मली जानते हैं कि एम बी होता, तो इसका 2 × 5 कैलकुलेशन करेंगे तो 10 आएगा इसका मोमेंटम। ठीक है, बट इसका अगर मोमेंटम अगर निकाला जाए इसका लाइट वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ करके हैवी ऑब्जेक्ट का, तो पी इक्वल टू एम बी होगा इसका भी फॉर्मूला, इसका एम है 5। बट आखिरकार हम यहाँ पे क्या पुट कर दें भी की जगह पे जो कि इसका इक्वल हो जाए, तो नॉर्मली हम 2 ही जो है पुट कर सकते हैं, तब जाकर के हमको जो है 10 मिल सकता है। तो इस केसेस में देखेंगे कि दोनों का मोमेंटम जो है, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, बोथ मोमेंटम आर सेम। लेकिन क्वेश्चन में फिर आगे बोला गया कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी सेम होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, 1/2 इस ऑब्जेक्ट का अगर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 एम वी, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2, और लाइट ऑब्जेक्ट का m दिया गया 2 और v का दिया है 5 × 5, क्योंकि 5 भी है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 25 जूल बचेगा। बट अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट का निकालेंगे, हैवी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो क्या फार्मूला निकल गया, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो 1/2 और m के जगह पे 5 रखेंगे, और v के जगह पे हम यहाँ पे देखिए 2 × 2 रखेंगे, 2 × 2 रखेंगे, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो 10 जूल आएगा, तो इसका 10 जूल निकलेगा और इसका 25 जूल। तो देख रहे हैं कि बहुत केसेस पे जो है काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो रहा, बट यहाँ पे हम लोगों का मोमेंटम जो है वो सेम हो रहा था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरा पूरी रॉन्ग है दोस्तों। उसके बाद रीजन में बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये बात बिल्कुल ही स्टेटमेंट जो है वो पूरा पूरी सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1/2 एम वी स्क्वायर, तो एम जो है वो मास है। इसलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एसेशन जो है वो टोटली रॉन्ग है, बट रीजन जो है वो ट्रू है। तो एसेशन और रीजन में नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं, हम सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को होता है कि बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। नंबर बी में ऑप्शन रहता है कि बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में रहता है कि एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी में ऑप्शन रहता है कि एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसलिए दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग का एसेशन में था कि ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी सेम, तो ये तो रॉन्ग था, बट हम लोग का सही स्टेटमेंट ये था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।